समलिंगी या किन्नर, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज का वीडियो लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ लोग हमारे पास में जो आते हैं वो बोलते हैं कि हमको समलिंगी आसक्ति है, होमोसेक्सुअलिटी है, मेरा इंक्लिनेशन जो है वो सेम सेक्स के तरफ है। मतलब लड़का आता है और लड़का आने के बाद में वो बोलता है कि नहीं, मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेम सेक्स है और मुझे वो अभी बंद करने का है। जैसा आज ही एक पेशेंट आया था, वो बोल रहा था कि शादी हो गई, इसको 5 साल हो गए, 4 साल की लड़की है, मगर उसने उसके वाइफ के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पहले शादी के 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बार 15 बार ऐसा सेक्स किया होगा। बाद में पिछले 4 साल में उसने सेक्स ही नहीं किया, क्योंकि उसको उसके वाइफ के साथ में सेक्स करने के लिए मज़ा आती नहीं है। उसका अट्रैक्शन होता है कि सेम सेक्स के तरफ जाऊं और सेक्स करूं, और वो उसमें ढूंढने के तलाश में रहता है। वो पत्नी को ये बोलता नहीं है कि मुझे समलिंगी आसक्ति है या होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअल फीलिंग्स है, और ना वो घर में पत्नी के साथ में सेक्स करता है। पत्नी बहुत परेशान कि भाई अभी 4 साल हो गए, इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर झगड़े झंझट घर में हो रहे हैं। वो बोलती है कि आप इलाज क्यों नहीं करते। ये बोलता है कि इसका तो वैसे ही सेटिस्फाई हो रहा है, ये बाहर कांटेक्ट करके किसी ना किसी के साथ में कांटेक्ट कर ले, सेटिस्फाई हो रहा है, और उसको तो पत्नी के साथ में करने की इच्छा ही नहीं है। तो उनके झगड़े हो रहे दोनों के, और ये अभी मेरे पास में इसलिए आया है कि अभी मुझे जो होमोसेक्सुअलिटी, मतलब मैं हूँ मेल, उसको ये डाउट नहीं कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, मेल हूँ मैं, और मेल हूँ मैं, तो फिर अभी मुझे जो होमोसेक्सुअलिटी है, मतलब समलिंगी आसक्ति है, वो भी मुझे ब्रेक करने की मेरी इच्छा वो है, मतलब वो खुद होके आ रहा है। तो जब वो खुद होके आता है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है उसको ठीक करना, क्योंकि वो खुद होके बोल रहा है तो फिर बहुत आसान है। मतलब ठीक है भाई, बहुत ही इच्छा, आपकी इच्छा ऐसी है कि वो आपको नहीं रखना है वैसे संबंध, और आपका जीवन अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसको एक लड़की है 4 साल की अभी, और घर वाले उसको, माँ बाप उसके पीछे लगे हुए कि नहीं अभी लड़का होना, और इसके लिए फिर अभी वो चाहता है कि लड़का होना चाहिए, पत्नी के साथ में संबंध रखना चाहिए, उसमें उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, और इसलिए फिर वो प्रेशर में वो मेरे पास में आए, बोले मुझे बंद करना है समलिंगी आसक्ति या समलिंगी संभोग, और मुझे भी पत्नी के साथ में इच्छा अभी तैयार करने की इच्छा होती नहीं है, और इसलिए फिर वो मेरे पास में आए। अभी मैंने उसको ये बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप मेरे पास में आए, और वो इलाज करने को तैयार है। मैंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया और उसको बोला ठीक है, हम करेंगे ज़रूर, आपको यदि इच्छा है कि नहीं मुझे चेंज करना है मेरा ओरिएंटेशन, तो फिर बहुत ही अच्छा है और वो हो जाएगा। मैंने उसको कुछ दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब किया, जो दवाई इसमें कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दवाई का देते वो भी दिया। फिर उसको विजुअलाइजेशन के माध्यम से, इमेजिनेशन के माध्यम से, सेल्फ हिप्नोसिस के माध्यम से मैंने बोला कि भैया संभव है कि आपका ओरिएंटेशन हम बदल लेंगे। हमने कुछ विकसित किया है पद्धत, एक ऐसी की है पद्धत की जो अभी मैं वीडियो पे, मतलब ऐसा पब्लिकली मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी परेशानी हो जाएंगी सभी को, मगर हमारे पास में ऐसे हमने कुछ टेक्निक ऐसे विकसित किए कि जिसमें उसको ओरिएंटेशन जो है, जो खुद होके बोलता है कि मेरे को बदलने का है, तो वो होमो का ओरिएंटेशन उसका हेट्रो का हो सकता है। तो ये हुआ एक पार्ट। अब दूसरा जो है लड़का, जो अभी मेरे पास में माँ बाप ने लाया, वो लड़का ये है कि वो खुद बोलता है कि मैं मेल हूँ, मगर मुझे मेल रहना पसंद नहीं, और वो इसलिए मेरे पास में लाया कि पिछले 5 दिन से, लड़का मुंबई का है, पिछले 5 दिन से वो घर से निकल गया था। माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट किया कि घर से, घर में नहीं है बच्चा, 21 साल का करीब करीब बच्चा है, घर में नहीं है लड़का। फिर माँ बाप ने ऐसा बताया कि भाई एक ये दोस्त है, ये दोस्त के साथ में हरदम रहता है, तो शायद ये दोस्त को मालूम होगा ये कहाँ है। तो पुलिस ने वो दोस्त को बुलाया, उसके दोस्त ने बोल दिया कि भाई वो खुद भी जो है उसका दोस्त, वो भी किन्नर है और ये भी किन्नर बन गया। और उन्होंने बोला कि वो फलाना फलाना जो गुरु है, वो गुरु के पास में वो है, और वहाँ उनके साथ में वो पिछले 4 दिन से रह रहा है। पुलिस ने वो गुरु को फ़ोन किया, गुरु को फ़ोन करके उसको बुला लिया, और उसको बुला के पूछा भी क्या करना है, बोलता कि मुझे वहीं रहना है। फिर घर से भाग क्यों गया, क्योंकि घर में वो उस दिन लेट आया। जैसा घर में वो लेट आया, उसके पिताजी ने उसको पूछा भाई लेट क्यों आए, और लेट क्यों आया, और तू मैं हो गई, और उसके पिताजी ने उसको ठोका। तो ये वहाँ से, मतलब मार बचाने के लिए रात को घर से भागा, और भाग के सीधा वो किन्नर लोगों के वहाँ चले गए। फिर मैंने उसको कि भाई तू पहली बार गया क्या, बोले नहीं मैं तो पिछले 2-3 साल से वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ उनके साथ में, सारी
पहन के या पंजाबी ड्रेस पहन के उनके साथ में घूमता हूँ, उनके साथ में हम डांस में पार्ट लेता हूँ, और फिर रात को बराबर चुपचाप घर पे आके अपना मतलब ड्रेस वगैरह बदल के घर के आके सो जाता हूँ घर पे। मतलब घर में माँ बाप को मालूम ही नहीं पिछले 2 या 3 साल से कि वह किन्नरों के साथ में घूम रहा फिर रहा, तालियाँ बजा बजा के लोगों को पैसे मांग रहा है, घर में मालूम ही नहीं है। अब इनको माँ बाप को यह सवाल आ गया कि अब इसका करना क्या। उसको मैंने जब पूछा तो बोलता कि मुझे तो किन्नर रहना है, मुझे तो वही अच्छा लगता है, मुझे तो लड़की उसका हाव भाव उसकी बातचीत का तरीका पूरा वो लड़की जैसे ही था, बोले मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे लड़का करके रहना ही नहीं, ना मुझे शादी करनी है ना मुझे कुछ काम करना है, मुझे वहीं मज़ा आता है और मैं वहीं जाऊँगा। वो तो पक्का है बिल्कुल, वो तो सुनने को तैयार नहीं है। माँ बाप इसलिए परेशान है कि अभी ये हिजड़ा करके समझो अभी समझो जाता है, ये माँ बाप मतलब उसके पिताजी मुझे बोल रहे कि अभी हमारे घर का लड़का हिजड़ा करके समझो लोगों में समाज में मालूम पड़ता है, अभी किसको मालूम नहीं है, ये हमको अभी तक मालूम नहीं था, तो इसके 2 बहनें हैं उसकी शादी कैसे हो जाएगी, कैसे हम करेंगे कि भाई हिजड़ा की बहन है ये, हम शादी कैसे करेंगे, हम लोगों को ये बताएंगे हिजड़ा का बाप है ये, लोग क्या बोलेंगे समाज में। तो हम उसको बोले कि भाई हमारी इज्जत तो बचा दो, तो वो कुछ सुनने को तैयार नहीं, वो तुम्हारा तुम जाने बोलता, वो शादियाँ करने की बहनों की मेरे को कुछ मालूम नहीं, तुम्हारा तुम जानो जो करना हो करो, मैं तो वहाँ जाऊँगा। और वो भाग भाग करके मतलब वहीं जाने मतलब वहाँ जा रहा है। पिताजी ने माँ ने मेरे पास में इसलिए लाया कि उनकी घर में इतनी तू तू मैं हो रही है, इतनी इरिटेबिलिटी, इतने झंझट झगड़े हो रहे, बोले इसका क्या करना अभी। तो माँ और पिताजी उसके दोनों भी परेशान है, दोनों भी इरिटेबल है, दोनों भी बहुत ही मतलब शॉर्ट टेम्पर जैसे हो गए, वो भी डिप्रेशन है उनको आया हुआ, दोनों भी रो रहे हैं, रो रो के परेशान, रो रो भी कि भाई हमारा करना क्या आगे चल के। और ये लड़का बोलता है कि मैं हूँ मेल, उसको मेल का कोई अट्रैक्शन नहीं है, मेल यानी होमोसेक्सुअलिटी का कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो होमोसेक्सुअल नहीं है, वो चाहता है कि मैं एज ए फीमेल करके रहूँ, और वो बोलता है कि मैं मेल हूँ। तो आपने ये फ़र्क समझ लिया कि पहला जो होमोसेक्सुअल है बोलता है कि मैं मेल हूँ, उसको किन्नर बनने का नहीं है, उसको ना कोई नाच गाने करना है ना कोई तालियां बजा के घूमना है किन्नरों के साथ में, मगर उसको मेल अच्छे लगते हैं, समलिंगी है, इसको समलिंगी आसक्ति नहीं है। यह है लड़का, वो भी लड़का है, ये भी लड़का है, दोनों भी मेल है, मगर इसको लड़की जैसा रहना पसंद कर रहा है। वो क्या बोलता है, मैं लड़का हूँ मेरे को लड़के जैसे रहना है, मगर मुझे लड़के के साथ में संभोग करने में इंटरेस्ट, ऐसा ये दोनों में फ़र्क होता है। तो इसके बाकी मैंने तपासा तो उसको बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको मतलब शारीरिक कोई दोष नहीं था, मगर बचपन से वो थोड़ा बोले बचपन से मुझे वैसा अच्छा लगता था, मतलब लड़कियों के जैसे ड्रेस पहनना, उनके साथ में जैसा रहना, डांस करना, वो पहले से मुझे अच्छा लग रहा था। और बचपन में बच्चे करते रहते थे, वो थोड़ा उसका उसके तरफ मतलब वो नज़रअंदाज किया पिताजी ने कि ठीक है ऐसा होता ही रहता है। फिर अभी लुकिंग बैक, अभी उनके माँ बाप को अभी पीछे मुड़ के देखते उनको लग रहा है कि हाँ पिछले 2-3 साल से घर पे लेट आ रहा था, पिछले 2-3 साल से उसकी पढ़ाई डिटेरियोरेट हो गई, कम कम हो गई, अच्छे मार्क मिलाने वाला लड़का एकदम कम कम मार्क मिलाने लगा, कोई काम नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ बोला तो बोले मैं ट्यूशन जा रहा हूँ कॉलेज जा रहा हूँ, और फिर ये उनके साथ में किन्नरों के साथ में घूमता फिरता रहा, ये उनको पता ही नहीं था। अभी इसका करना क्या है, माँ बाप बोलते इसका इलाज करो, इनको हमको बचाओ, और वो बोलता है कि मुझे तो कुछ इलाज करना ही नहीं है, मैं तो क्लियर हूँ, ऐसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि उसकी यदि इच्छा नहीं है और उसको वैसे ही रहने का है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन यदि किन्नर जैसा है, तो फिर उसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मर्जी के खिलाफ तो इलाज कर ही नहीं सकते, उसका तो वो तो खुद बोलता ही नहीं है कि मुझे इलाज करो, और फिर इस ऐसे कंडीशन में उसका इलाज करना भी संभव नहीं, मतलब इलाज करना काहे का है, वो कोई इसको बीमारी है नहीं वैसे देखा जाए तो, माँ बाप बोल रहे कि इसका इलाज करो हमारी इज्जत बचाओ, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनको हमने माँ बाप को समझाया कि भाई देखो इसको कुछ ऐसा कर सकते कि आप कि भाई 1-2 साल तू जो अभी बोल रहा है कि मैं घर छोड़ के वहीं जाके रहने वाला हूँ, बोलता मैं घर में आऊँगा ही नहीं, तो अभी तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा सामाजिक प्रतिष्ठा है तुम्हारी, तो उसमें अभी तुम ऐसा बोल सकते कि भाई उसकी बहनों की शादी होने तक तू रहे चुपचाप रहे, ऐसा कुछ कर सकते करो। तो ऐसा करके उनको मैंने विदा कर दिया। ये वीडियो बताने का ये मुझे ये है कि इसमें हम वही लोगों को मतलब लोगों को फ़ायदा करवा के दे सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद होके तैयार है, ऐसे मेरे पास में आते हैं कि हाँ मेरा फीमेल ओरिएंटेशन है, मुझे किन्नर जैसा लगता है मतलब लड़की जैसा लगता है और मुझे बदलने की इच्छा है, तो फिर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, खुद बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी लड़के जैसा करने का है, मुझे लड़का करके रहने का है, मुझे शादी करने की है, मगर ये जो मैंने अभी केस बताया वो खुद करने को तैयार ही नहीं है, तो हम कुछ उसमें कुछ नहीं करते। आपको दोनों का फ़र्क बहुत अच्छा समझ लिया होगा आपने, मालूम पड़ा होगा। ये वीडियो आप यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ये बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो,
ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मिशन है वह है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आज हजारों लोग रोज़ मेरे वीडियो देख रहे हैं और अपने जीवन में वो परिवर्तन ला रहे। हमारा जो हॉस्पिटल है जहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं, और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य के बीच में काफ़ी सारे मेंटल पेशेंट हमारे यहाँ आते रहते हैं, अल्कोहलिक आते रहते हैं, शराबी, और उनका हम इलाज करते रहते हैं। लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके उनका इलाज, उनकी बीमारी का इलाज हमसे करवाने के लिए कंसल्टेशन करके हमारा कोई सलाह मशवरा करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।